हम और एसएसपी साहब पहुंचे हैं यहाँ और सभी लोगों को खदेड़ दिया गया है और पूरी तरह से हम लोग अपने कब्जे में ले लिए हैं और तोड़ने की कार्रवाई चल रही है और पूरा टूटने तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। टोटल कितनी जमीन है और कितने रकबे इन्वॉल्व हैं इसमें? अभी 40 एकड़ हम लोग खाली करा रहे हैं जिसमें 90 संरचनाएं हैं, उनको तोड़ा जा रहा है और उनको हम लोग पूरी तरह से तोड़ेंगे। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है सर? अभी एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी हम लोग रात में करेंगे। कितनी समिति को चिन्हित किया गया है जो अवैध रूप ये अभी इसमें पूरी तरह से भू माफिया लैंड माफिया जो हैं वो शामिल हैं और अभी तक 3 समितियों को चिन्हित किया गया है, गृह निर्माण समितियां हैं जो आपस में नेक्सस बना करके अवैध ढंग से क्रय विक्रय कर रही हैं, भोले भाले लोगों को भी फंसा रही हैं इसमें और उनका अब नुकसान हो रहा है जो भोले भाले लोग लिए थे, क्योंकि इसके क्रय विक्रय पर पूरी तरह से रोक है। और जो हम लोगों ने नोटिस किया था उसमें हम लोगों ने पूछा था कि इन क्रय समिति ये समितियों को गृह निर्माण समितियों को जमीन कहाँ से मिली, जो इसके ज़मीन के मूल जो ओनर थे रैयत थे उनसे इनका क्या संबंध है, उनकी पुश्तैनी है या उन्होंने कोई केवाला सेल डीड से लिया है, तो ये किसी भी प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं है। अवैध ढंग से ये लोग नेक्सस बना करके सरकारी ज़मीन का क्रय विक्रय कर रहे हैं और खाली कराने पर इस प्रकार की विधि व्यवस्था कर रहे हैं लोगों को जुटा करके। जो लोग पकड़े गए हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग बाहर से भी बुलाए गए हैं, सिर्फ जिनका यहाँ है वो लोग नहीं हैं, वो कम हैं, बाहर से बुलाए गए हैं। तो पूरी तरह से संगठित अपराध के रूप में यहाँ किया जा रहा है, तो इसको हम लोगों ने चिन्हित किया है, FIR दर्ज करके और कड़ी कार्रवाई करेंगे हम लोग संगठित अपराध के रूप में। सिलेंडर को आग लगा के खेतों में फेंका जा रहा है सर? हाँ, वो कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा किया गया है, मामले को भड़काने के लिए किया गया है, उनको पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, बाकी लोगों को भी कर रहे हैं, अभी एक दर्जन लोगों को पकड़ा गया है। इन लोगों का कहना है कि हम कोलकाता से जाकर रजिस्ट्री करवाए हैं, यहाँ ये अगर वैध है तो यहाँ पटना में रजिस्ट्री क्यों नहीं कराए? प्रश्न यही है कि अगर आपका दावा सही है तो पटना में रजिस्ट्री क्यों नहीं कराए? पटना में रजिस्ट्री पर रोक है तो कुछ लोग कोलकाता मुंबई और हाजीपुर से रजिस्ट्री कराते थे, जब उसको भी अवैध घोषित कर दिया गया तो अपना गृह निर्माण समिति बना के इनफॉर्मल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें अपना म्यूटेशन कर रहे हैं, क्रय विक्रय कर रहे हैं, पैरेलल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पूरा स्थापित किए हुए हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित किए हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किए हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।